भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना है तथा इस व्रत की क्या विधि होगी और यह व्रत कब करना है। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है, लेकिन श्रावण माह की जो पुत्रदा एकादशी होती है वो महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसका पुण्य उदय होता है और उसके घर में संतान की या पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि आप पुत्र की इच्छा रखते हैं या फिर संतान की उन्नति की कामना से आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में एकादशी जो आती है वो 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आएगा उस वर्ष 26 एकादशी आएगी। जैसे इस बार अधिक मास आ रहा है तो इस वर्ष 26 एकादशी आएगी और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इस प्रकार कुल मिलाकर के एक माह में दो बार एकादशी आती है। दोनों एकादशी का व्रत सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए क्योंकि एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके कई जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्यों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तो उसके पुण्य का उदय होता है और पुण्य का उदय होगा तो उसका भाग्य उदय होगा और जब भाग्य उदय होगा तो उसे समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उसे प्राप्ति हो जाएगी। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है वो 30 जुलाई 2020 को रहेगी। क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 जुलाई की रात्रि जो है 2:11 से हो रहा है और 30 जुलाई की रात्रि 12:16 तक एकादशी तिथि रहेगी और सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है वो 30 जुलाई 2020 गुरुवार को ही है। इसलिए आपको एकादशी का व्रत 30 जुलाई 2020 गुरुवार के दिन ही करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको 31 जुलाई की सुबह 5:54 से लेकर के 9 के मध्य कर लेना चाहिए, यानी इस समय आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और एकादशी का जो नियम पालन प्रारंभ करना है वो दशमी तिथि के दिन से ही आपको प्रारंभ करना है, यानी 29 जुलाई से ही आपको एकादशी का नियम पालन आरंभ करना होगा। तो यदि आप एकादशी व्रत प्रत्येक माह या प्रत्येक पक्ष में करते हैं तो कोई बात नहीं है और यदि आप पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपको 29 जुलाई से ही एकादशी के व्रत का नियम पालन आरंभ करना होगा। तो सबसे पहले आपको दशमी तिथि यानी 29 जुलाई बुधवार के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का भी उस दिन त्याग कर देना चाहिए तथा विवाहित दंपत्ति जो होते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को उस दिन संसर्ग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4:24 से लेकर के 5:24 के मध्य उनको बिस्तर छोड़ करके उठ जाना चाहिए और उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें और स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि काले वस्त्र न पहने। उस दिन आप लाल वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहने, सफेद कपड़े पहने या फिर आप नीले या हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए तथा एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो स्नान के बाद आपको अपने बगैर धुले हुए वस्त्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा अपन जिस बिस्तर पर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, उस बिस्तर पर आपको सोना भी नहीं चाहिए।
तथा एकादशी व्रत के प्रारंभ करने के पहले अपने भगवान का जो नित्य आप पूजन करते हैं, तो सबसे पहले आप भगवान का नित्य पूजन करें, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तथा उसके बाद भगवान के सामने एक आसन लगा करके दीपक जला करके बैठ जाएं और हाथ में संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्धि होती है। प्रत्येक व्रत जब आप प्रारंभ करते हैं तो उसका संकल्प आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि आप निष्काम भावना से करते हैं या सकाम भावना से करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है कि प्रभु जो चाहे वो दे दे, हमें उनसे कुछ नहीं मांगना है, कुछ चाह नहीं है। और यदि आप सकाम भावना, सकाम का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का होना, इसे सकाम भावना कहा जाता है। तो आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संकल्प धारण करना चाहिए, और एकादशी का जो संकल्प लेता है उसको हाथ में तुलसी पत्र तथा जल और सुपारी या फिर सिक्का रख करके संकल्प करना चाहिए। और यदि कुछ नहीं मिले तो केवल जल और तुलसी पत्र हाथ में इस प्रकार रख करके संकल्प करें और 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करें। उसके बाद कहे कि आज मैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। इस प्रकार आप बोल करके अपनी यदि कोई भी कामना है तो उनको आप मन में उच्चारण करें। संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की या जो भी इच्छाएं आपके मन में है उनको आप उच्चारण करें और उस संकल्प को भगवान को अर्पण कर देवे, तथा उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल करना, तथा आपकी कृपा से मैं इस व्रत को परिपूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य मुझे प्रदान करना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और व्रत का प्रारंभ कर दे। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए घर में और चावल खाना भी नहीं चाहिए। एकादशी व्रत में किसी भी स्थिति में आपको जो है भोजन का ग्रहण नहीं करना है, यानी केवल और केवल फलाहार लेना है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो सर्वोत्तम फलाहार बताया है वो गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बनी वस्तुएं, क्योंकि श्रावण माह में गाय का दूध नहीं पिया जाता है, तो आप गाय के दूध से बनी मिठाई या अन्य वस्तुओं को जो है फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या फल से संबंधित कोई भी वस्तु आप फलाहार में ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो फलाहार में अन्य भी वस्तुएं आती है और इसमें आप चाहें तो सेंधा नमक या फलाहारी नमक का उपयोग कर सकते हैं। सादा नमक इस व्रत में उपयोग नहीं करना चाहिए, तथा दिन में आप चाय दूध इत्यादि वस्तुएं ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन श्रावण माह है इसलिए दूध आपको सेवन नहीं करना है। दूध से बनी अन्य वस्तुएं आप इस व्रत में जो है सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन घर में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का उपयोग भी एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन किसी को भी नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, या फिर शरीर के कोई भी अंग के बाल एकादशी को नहीं कटवाना चाहिए, तथा एकादशी व्रत में फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्दी का उपयोग करने से व्रत टूट जाता है। इसके अलावा जो एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि को और एकादशी को पान नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को पान खाता है उसका व्रत भंग माना जाता है, यानी उसका व्रत टूट जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन आपको जो है पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी पत्र के अधूरा माना जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिए। वैसे तो तुलसी पत्र कई दिनों तक आप सूखे भी उपयोग कर सकते हैं,
या फिर यदि तोड़ नहीं पाए हैं तो चढ़े हुए तुलसी पत्र आप उठा करके धो करके भी उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी तुलसी पत्र कभी भी पुराने और बासी नहीं होते हैं। इसके अलावा तुलसी की मंजरी या फिर तुलसी की लकड़ी या पुराने सूखे हुए तुलसी के पत्ते भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन यदि आप तुलसी पत्र का उपयोग करना है, तोड़ नहीं पाए हैं और आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, तो आप तुलसी के जो क्यारा होता है, तुलसी चोरा होता है, उसके नीचे जो सूखे तुलसी के पत्र होते हैं उनको भी उठा करके उपयोग कर सकते हैं। और तुलसी पत्र का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, दीपक भी लगाना चाहिए। कई लोग इस बारे में बड़े भ्रमित रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें या न करें। इस बारे में हम आपको स्पष्टीकरण कर दें कि तुलसी जो है भगवान कृष्ण की पटरानी है, जिसे वृंदा कहा गया है। इसलिए यदि आप तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करेंगे तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसके अलावा आपको पूरे दिन सात्विकता से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार से गलती से भी देवी देवताओं की निंदा न करें तथा शास्त्रों की निंदा भी न करें और ब्राह्मणों का और साधु संतों का या बौद्ध भिक्षुओं का या अन्य पूजनीय महापुरुषों का अपमान बिल्कुल न करें, अन्यथा इससे बड़ा दोष लगता है। क्योंकि भगवान के हृदय में जो है साधु संत ब्राह्मण और अन्य पूजनीय पुरुष निवास करते हैं, इसलिए आप गलती से भी इनका निंदा बिल्कुल न करें। इसके अलावा गरीब व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को, मेहनत कश व्यक्ति को इस दिन परेशान या प्रताड़ित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उनका पूजन करें, भगवान विष्णु जी है तो उनका पूजन करें। इसके अलावा आपको एकादशी तिथि के दिन भगवान नारायण का या लक्ष्मी जी के साथ में उनका पूजन करना चाहिए और शालिग्राम भगवान का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो यदि आप भगवान का पूजन करना चाहें तो सबसे पहले किसी भी देवी देवता का पूजन यदि हम प्रारंभ करते हैं तो उनका ध्यान किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, हाथ में पुष्प और तुलसी पत्र लेकर के उनका स्मरण किया जाता है। इस दिन आप गलती से भी भगवान विष्णु जी को या विष्णु स्वरूप किसी भी देवता को चावल न चढ़ाएं, पुष्प और तुलसी पत्र लेकर के हाथ जोड़ करके उनका आवाहन तथा स्मरण करें और उसके बाद उनको चार बार जल चढ़ाएं। चार बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है, पहली बार जो आपने जल चढ़ाया है वह पांव धोने के लिए जल चढ़ाया है और दूसरी बार आपने जो जल चढ़ाया है वो हाथ धोने के लिए जल चढ़ाया है और तीसरी बार आपने भगवान को कुल्ला करने के लिए जल चढ़ाया है और चौथी बार उनको स्नान करवाने के लिए जल चढ़ाया है। ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान नहीं करवाया जाता है, इसलिए आप न तो पंचामृत में इस दिन गंगा जल डाले और न ही भगवान को सीधे सीधे गंगा जल से स्नान नहीं करवाएं, क्योंकि गंगा जी का प्रागट्य भगवान विष्णु के चरण से हुआ है। इसलिए यदि आप भगवान विष्णु जी को तीर्थ जल से स्नान करवाना चाहते हैं तो आप यमुना जी के जल से करवाएं, या फिर यमुना जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप यमुना जी का स्मरण करते हुए और साधारण जल से भी स्नान करवा सकते हैं तो आपको यमुना जल का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा एकादशी की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए और एकादशी व्रत में एक समय नमक का सेवन करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य कोई ऐसे पुरुष है या महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा जो है परेशान है या शारीरिक कोई कष्ट है उनको या कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि कोई बीमारी है, तो उनको जो है दो समय नमक सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसके अलावा फल या फलाहारी वस्तु का वो सेवन दोनों समय कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और जो मनुष्य इस दिन पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की इच्छा करता हो उस दिन घर में
गोपाल जी की पूजा करके उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके पति पत्नी को यानी जो संतान की इच्छा रखते हैं उनको माखन मिश्री का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति का योग उनके जीवन में बनने लगेगा। रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व माना गया है। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना है और अगले दिन यानी 31 जुलाई शुक्रवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठना है और जल्दी उठकर के स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है और उसके पश्चात आप भगवान का नित्य पूजन करके सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात आप व्रत का पारणा करें और व्रत का पारणा करने के लिए हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके भगवान से कहे कि हे प्रभो, मैंने एकादशी का व्रत किया है तथा इस एकादशी का संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। यदि आप अपने किसी पितृ को या पूर्वज को या माता पिता को या अन्य किसी व्यक्ति को एकादशी का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम बोल करके और यदि गोत्र उनका याद है तो वह बोल करके भगवान को अर्पण कर दे कि मैं एकादशी का व्रत का जो संपूर्ण फल है इनको प्रदान करता हूँ। इस प्रकार आप उनको अर्पण कर दे और उसके बाद व्रत का पारणा कर लेवे। व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत तोड़ना। इस प्रकार आप हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, आप चाहें तो चावल खाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं और द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से चावल खाना चाहिए क्योंकि हम दशमी और एकादशी को चावल का परित्याग कर देते हैं। चूंकि चावल को देव अन्न की संज्ञा दी गई है इसलिए द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से भगवान को चावल का भोग भी लगाना चाहिए तथा स्वयं भी चावल ग्रहण करना चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को साधु संतों को और मंदिर में आटा सामान सीधा फल वस्त्र इत्यादि का दान भी करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान भी आप कर सकते हैं या अन्य वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी के व्रत का विधि विधान का पालन करना चाहिए तो निश्चित तौर से आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा क्योंकि एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं और केवल पुत्रदा एकादशी की इस दिव्य और ज्ञानमयी को कथा को श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो इस एकादशी की कथा को हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी की कथा किस प्रकार है तथा इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महात्म सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा को सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण सदैव वह राजा दुखी रहता था, चिंताग्रस्त रहता था। उसे यह राज्य में बड़ा दुख होता था क्योंकि उसके घर कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए। मन में निरंतर यह चिंता करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पिंड दान कौन करेगा और इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस चिंता में निरंतर वह राजा डूबा रहता था और वृद्धा अवस्था को आता देख करके राजा ने अपने प्रजा के प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, सभासदों को, सभी को बुला करके कहा कि हे प्रियजनों,
मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया है, न ही मेरे खजाने में अन्याय से कोई धन मैंने उपार्जन किया है, और कभी भी मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का अनादर या अपमान नहीं किया है, और उनका धन भी कभी नहीं छीना है, और नहीं किसी की धरोहर भी नहीं छीनी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है, मैंने अपराधियों को जो है हमेशा दंडित किया है, और धर्म युक्त कार्य ही मैंने संपन्न किया है। फिर भी मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ है, मेरे घर में अभी तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ, और इसका क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में अभी तक कोई भी बालक पैदा क्यों नहीं हुआ है। राजा महीजीत की इस बात को सुन करके मंत्रीगण तथा प्रजाजन के प्रतिनिधि बड़े चिंतित हो गए, और सभी ने जो है विचार किया कि हम किसी संत महात्मा से वन में जाकर के इसका कारण पूछते हैं। सारी प्रजाजन तथा उनके मंत्रीगण सभासद सभी जो है जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं, और राजा के साथ पूरी प्रजा एक जंगल में पधारती है, और वहां पर उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी और जितेंद्रिय समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि का दर्शन किया, और सभी ने उनको प्रणाम किया। लोमस ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात सभी प्रजाजन मंत्रीगण एवं जन प्रतिनिधि लोमस ऋषि के समक्ष बैठ गए। महर्षि लोमस ऋषि त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों को जानते थे। उन लोगों को देख करके लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य ही करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सभी लोग बोले कि हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात को जानते हैं। ब्रह्मा जी के समान आप समर्थवान हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महीजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है, अतः हम सभी उनके दुख से दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई न कोई उपाय बताइए। उनकी बात को सुनकर के लोमस ऋषि थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहते हैं कि सुनो प्रजाजनों, आपके जो राजा है पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे, और निर्धन होने के कारण इधर उधर जो है भटकते रहते थे और अनेक प्रकार के बुरे कर्म किया करते थे। एक समय की बात है कि एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए तुम्हारे राजा जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्यान्ह काल में जब एक दिन एक जलाशय पर पहुंचते हैं राजा, तो राजा दो दिन से बहुत भूखे प्यासे थे और जलाशय पर जल पीने के लिए गए। वहां पर एक गाय का बछड़ा भी बहुत प्यास से जो है जल पीने के लिए आया हुआ था। राजा ने उस गौ के बछड़े को वहां से जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, और इसी पाप के कारण राजा को यह दुख सहन करना पड़ा है। और एकादशी के दिन भूखे रहने से इनका व्रत हो गया था, और उस पुण्य प्रताप से यह राजा बन गया, लेकिन गाय के बछड़े को जल पीने से हटाने के कारण इसको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात इसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और इस पाप को दूर करने के बाद ही इसको संतान प्राप्ति हो पाएगी। ऐसा सुनकर के प्रजाजन कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं और आप शास्त्रों के ज्ञाता है, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का वह पूर्व जन्म का पाप दोष समाप्त हो जाए तथा इनके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाए। लोमस ऋषि ने प्रजाजनों से कहा कि सुनो, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनको व्रत करना चाहिए, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, और इसका व्रत करके रात्रि को जागरण करे तथा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करे तो निश्चय ही इनका मनोरथ सफल हो जाएगा, और उस एकादशी के पुण्य प्रताप से इनके घर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
इससे राजा का पूर्व जन्म का जो भी पाप है, दोष है, वो सब नष्ट हो जाएगा तथा राजा के घर उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकेगी। प्रजाजन ने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उसके बाद पुनः अपने राज्य में गए। वहां जाकर के राजा से निवेदन किया कि लोमस ऋषि ने बताया है कि जो पुत्रदा एकादशी आने वाली है उसका आप व्रत करिए तथा उस पुण्य के प्रताप से आपके पूर्व जन्म का जो भी पाप दोष है वो समाप्त हो जाएगा तथा आपके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमस ऋषि ने इस बात को सुनकर के तुरंत निश्चय कर लिया और पुत्रदा एकादशी के दिन विधिवत उन्होंने व्रत किया तथा एकादशी का पालन किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान का भजन कीर्तन किया। लोमस ऋषि के साथ साथ उनकी प्रजा तथा उनके मंत्रियों ने, सभासदों ने भी पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा महीजीत के यहाँ सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई तथा राजा ने उस राज्य में बहुत सा सुख भोगा और प्रत्येक एकादशी का वह व्रत करने लगा। पूरी प्रजा भी एकादशी का व्रत करने लगी और अंत समय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का भोग भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत करने से संतान की पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तथा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इस कथा को सुनने से या किसी को सुनाने से मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद हन भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।